ग्राम पंचायत अजीजपुर में श्रीमद् भागवत कथा का छठवें दिन संपन्न हुआ महाआरती का कार्यक्रम, जिसमें साध्वी पूनम शास्त्री जी की मधुरवाणी को सुनकर दसियों हजार की संख्या में लोग हुए इकट्ठा, जिसमें हमारी सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार गौड़ के द्वारा लाइव तस्वीर जनपद बारा इसके विकास खंड फकरपुर ग्राम पंचायत अजीजपुर की दिखाई गई। इसमें महारानी साध्वी पूनम शास्त्री जी की वाणी को सुनकर लोग रोने पर हो गए मजबूर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे साध्वी पूनम शास्त्री जी को भगवान और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। हमारे शास्त्री जी के सिंगर व कथावाचक गौरी किशोरी जी, आचार्य श्री केशवानंद जी महाराज व श्री सरवण शुक्ला जी महाराज व छोटू तूफानी नाल प्लेयर व शिवम सावरिया पेक प्लेयर व लवकुश दीवाना कीबोर्ड प्लेयर, इन लोगों ने मंच पर जैसा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए, वैसा ही साध्वी पूनम शास्त्री जी ने कर दिखाया। और अवधेश कुमार गौड़ अपनी पूरी टीम के साथ आज ग्राम पंचायत अजीजपुर के लाइव तस्वीर दिखाई और कमेटी के द्वारा गमछा भी लोगों को सम्मानित के साथ बांटा गया। नवयुवक कमेटी अध्यक्ष राम कुमार यादव और कोयली गौतम, श्री राम गौतम, राजकुमार गौतम, चंद्र गौतम, सुशील गौतम, पुत्री कश्यप, जगराम कश्यप, गुड्डू कश्यप, लक्ष्मण कश्यप, जीवन यादव, प्रेम यादव, रतिराम यादव, मूलचंद वर्मा, राष्ट्रीय सारा के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शुक्ला जी, ब्रजेश गौड़, गुड्डू महाराज, प्रमोद वर्मा, वेद प्रकाश त्रिपाठी पत्रकार जनपद गोंडा और सचिन दुबे, अंकित दुबे, द्वारिका प्रसाद दुबे, अवधेश कुमार गौड़ वरिष्ठ पत्रकार जनपद बहराइच निवास स्थान गजादर के द्वारा लाइव तस्वीर दिखाई गई ग्राम पंचायत अजीजपुर के मत भागवत कथा के पंडाल का, जिसमें साध्वी पूनम शास्त्री जी ने इतना अच्छा श्लोक कहा कि दसियों हजार की संख्या में लोग अपने आप को संभाल ना सके, रो पड़े, ऐसी कथावाचक होना अनिवार्य होता है। सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल जिला ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार गौड़ पत्रकार की खास खबर।